goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद के जेल उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अप्रेस कुमार की पीठ ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उनके वकील देवर्षि मंडल ने कहा कि उनकी हालत में थोड़ा सुधार है, उन्हें 17 तरह की बीमारियां हैं जिनका इलाज चल रहा है। कोर्ट ने लालू प्रसाद के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं आने के चलते इस मामले की सुनवाई 5 मार्च को निर्धारित की है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अदालत को बताया कि रिम्स निर्देशक ने लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट 15 फरवरी को ही कोर्ट में दाखिल कर दिया है। रिम्स निर्देशक ने स्पष्टीकरण के साथ लालू प्रसाद को एम्स भेज जाने के लिए बनाई गई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की है। इस पर अदालत ने कहा कि उन्हें मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट नहीं मिली है। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट उन्हें मिली है। रिम्स निदेशक ने उन्हें बताया था कि अदालत के आदेश के आलोक में सारी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और वहीं दस्तावेज मुझे भी भेजा गया है। इस पर अदालत ने कहा कि वे इस मामले में हाईकोर्ट रजिस्ट्री से जानकारी लेंगे। कि रिपोर्ट दाखिल होने के बाद उसे रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लाया गया है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 5 मार्च को निर्धारित की है। इसके बाद अदालत ने पूछा कि लालू का अभी एम्स में ही इलाज हो रहा है ना, अभी उनकी तबीयत कैसी है। इस पर लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है, उन्हें 17 तरह की बीमारी है जिनका एम्स में इलाज किया जा रहा है। राजनीति से जुड़ी हुई ऐसी ही अपडेट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।